मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की और नशा मुक्ति अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं डीजीपी सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में सभी हुक्का लाउंज बंद हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत लगातार चल रही पुलिस कार्रवाई की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग की कार्रवाई कर रहा है। समीक्षा बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अभियान और कार्रवाई की जानकारी दी है। कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत की जा रही है। पुलिस कार्रवाई में मादक पदार्थों के साथ अवैध शराब को भी जब्त किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, सिगरेट एंड टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अवैध मादक पदार्थ ड्रग्स का नशा करने वाले स्थानों की चेकिंग हो रही है। डीजीपी ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया है और महाअभियान शुरू किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा में एक दो जगह शिकायत थी, सभी जगह कार्रवाई करते हुए हुक्का बार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जो आपकी चिंता थी हुक्का बार को लेकर, हुक्का लाउंज को लेकर, तो हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से बंद हो गए हैं सर। मेनली भोपाल, इंदौर में शिकायतें थोड़ी, ग्वालियर में थोड़ी शिकायत थी, रीवा में एक दो जगह था, तो सब जगह कार्रवाई करते हुए अपना हुक्का बार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, कहीं कोई हुक्का बार नहीं। सीएम ने कहा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निर्विघ्न सारे त्योहार सम्पन्न हुए हैं। आपने बहुत कर्तव्य निष्ठा, सूझबूझ और समझदारी से काम सम्पन्न किया है। हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सीएम ने कहा, हमको इस अभियान में बेहतर काम करने वालों को मध्य प्रदेश दिवस पर सम्मानित करना है। कर्तव्यनिष्ठ सम्मानित अधिकारियों को सम्मान देना है। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको गले लगाना है, चाहे वह आरक्षक हो, और उनको सम्मानित करना है। हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों को प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मैं 1 नवंबर को सम्मान करूंगा, उसकी सूची भी तैयार करूंगा। जरूरी नहीं कि हम केवल 15 स्वतंत्रता दिवस पे ही करें, 26 जनवरी पे ही करें। हमको सीधे इस अभियान में बेहतर काम करने वालों को मध्य प्रदेश दिवस पर सम्मानित करना है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, कर्मचारियों को, इवन अगर आरक्षक भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी गले लगाना है हमको, और उसको भी सम्मानित करना है, तो वो भी सूची तैयार रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।